सो गाइस फोटो का थंबनेल कैसे हटाते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। प्रोफेशनल थंबनेल एचडी थंबनेल लोगों का देखते हो आप, आपको भी पता, आपको भी लगता है कि हमें भी बनाना चाहिए, कैसे बनाते हैं लोग, सारा सब कुछ बताने वाला हूँ वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना, स्किप करके देखोगे तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे रह जाएंगे और आपका जो थंबनेल है वो एचडी लुक नहीं मार पाएगा सबके सामने, ठीक है? तो बने रहे वीडियो पे, सब्सक्राइब करें अपने भाई के चैनल को। सो गाइस इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, तो उसका नाम है पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप डाउनलोड करने के बाद तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, पिक्सल ऐप लिखोगे सिंपली आ जाएगा, ठीक है? पिक्सल ऐप लिखने के बाद इसको ओपन करना है, ठीक है गाइस? कुछ ऐसा आ जाएगा आपके सामने इंटरफेस। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है आपको। थ्री डॉट पे करने के बाद इमेज साइज पे जाना, इमेज साइज पे कस्टम पे क्लिक करोगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है? हो गया। अब ये जो टेक्स्ट है इसको पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट पेंसिल के साथ डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लिक कर देना, ठीक है गाइस? इतना समझ में आया, ठीक है गाइस? अब यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे दो पेज दिख रहे हैं आपको, ठीक है गाइस? यहाँ पे कलर पे जाना है, ग्रेडियंट पे जाना है और अपना ये वाला कलर ले लेना है। आप कोई सा भी ले सकते हो, देखो यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये मेरे को ये अच्छा लगता है, ठीक है गाइस? तो मैं ये ले लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है गाइस आपको। अपनी फोटो अगर आपको पीएनजी में है तो पीएनजी में, अगर नहीं है फोटो, यहाँ से प्लस में आइकन पहले मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम प्लेयर गैलरी, यहाँ पे तीन डंडे आ रहे होंगे साइड में, इस पर क्लिक करना है, ठीक है गाइस? इसमें गैलरी में जाना है, सबसे निकास में आ रहा होगा, ये रही मेरी पीएनजी पिक, ठीक है गाइस? इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको अगर पीएनजी पिक बनानी है, आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा। तो बस एक क्लिक मारना है और आपकी फोटो जो है नॉर्मल से पीएनजी में बन जाएगी, क्या इसका तो आगे आपको पता ही है। तो ये देखो मेरी फोटो सेट हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, ठीक है गाइस? थोड़ी छोटी करके इसको ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है गाइस? अब यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, आ गया। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, हाउ टू मेक, ठीक है गाइस? यहाँ पे ये लिख दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें हमें थोड़ी करेक्शन करनी है, ठीक है गाइस? पहले इसमें डालते हैं हम फॉन्ट, ये रहा फॉन्ट का ऑप्शन, ए बी वाला आ रहा होगा, ठीक है गाइस? इसमें से मैं कोई भी, आप कितने देखो कितने सारे हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ, मैं ये वाला लेता हूँ, अमरनाथ बोल्ड, मतलब सही लगता है मेरे को ये, ठीक है? ये हो गया, देखो कितना बोल्ड लग रहा है, ठीक है गाइस? तो अब चलते हैं, अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है तो बैकग्राउंड लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है गाइस? रेड वेड कुछ भी कर सकते हो, बट मेरे को नहीं लगाना, मैं लगा लूँ, चलो लगा देता, ठीक है गाइस? कौन सा लगाऊँ, चल दीजिए, ठीक है, यह मैंने बैकग्राउंड लगाया। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो गाइस, आपने जो टेक्स्ट लिखा है इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ये कलर वाला ऑप्शन है। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप रेड ब्लू वाइट कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ब्लैक के ऊपर तो वाइट ही जस्ट है, ठीक है गाइस? यहाँ से अब जाना है आपको स्ट्रोक पे, स्ट्रोक पे क्लिक करोगे, ये देखो ये हो गया स्ट्रोक, ठीक है? यहाँ पे कलर भी आ रहे हैं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, मैं वाइट ले लेता हूँ, सॉरी रेड ले लेता हूँ, सॉरी रेड अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस? तो चलते हैं शेडो पे, शेडो भी इसमें देनी ज़रूरी है, शेडो से बहुत अच्छा हो रहा था, ठीक है? इनर शेडो का मैं नहीं कहता, ठीक है? अब देखो ये बिल्कुल सही लग रहा है, सिंपल शॉर्टकट, ठीक है गाइस? फिर से प्लस आइकन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, इस पर लिख देते हैं हाउ टू मेक एच डी थंबनेल, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे आपके साथ नहीं होता होगा गाइस, ये देखिए आ गया हाउ टू मेक एच डी थंबनेल। सो गाइस यहाँ पे हमने लिख लिया एच डी थंबनेल, इसमें आप एडिटिंग करनी है बस थोड़ी। इसमें जैसे हम फॉन्ट ले लेते हैं, मैं तो वही लूँगा, ठीक है गाइस? आप जो आपको सही लगे वो बेटर लगे वो आप ले लेना, मैं तो यही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर मोस्टली, ठीक है गाइस? इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसका कलर चेंज करेंगे, इसका कलर कर देते हैं रेड, ठीक है गाइस? बैकग्राउंड में जाते हैं, बैकग्राउंड में लगाएंगे इसमें वाइट, ठीक है गाइस? अब देखो कितना प्रोफेशनल लुक लग रहा है। स्ट्रोक में जाओ, ठीक है, स्ट्रोक में इसको अनेबल कर दो, भाई साहब हो गया ना सही, स्ट्रोक हो गया,
शेडो शेडो दे सकते हो भाई साहब, कितना कूल लग रहा है। ऐसा तो मैं भी नहीं बना सकता, मैं भी वो भी अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, मैं इतना अच्छा बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, टेक्स्ट पे जाते हैं, कुछ सिखाते सिखाते मैं भी सीख गया। ठीक है गाइस, टेक्स्ट पे गए, आजा। ठीक है, फॉर यूट्यूब, बस यहाँ पे लिखना है फॉर यूट्यूब, फॉर यूट्यूब। आ गया गाइस, अब कुछ नहीं करना, इसमें भी वही फॉन्ट लिखना है, फॉन्ट करना है ये वाला। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें शेडो ऐड करनी है, इसका कलर कैसे रखें, इसका कलर रखेंगे हम, क्या रखें इसका कलर, क्या रखें इसका कलर, क्या रखें इसका कलर, ब्लू, ये ठीक लग रहा है। बैकग्राउंड में जाते हैं, बैकग्राउंड इनेबल ब्लैक। ठीक है गाइस, इतना अच्छा लग रहा है, ये इस पर रेड ही कर देते हैं, यूट्यूब रेड अच्छा लगता है, रेड एंड बैकग्राउंड वाइट। अब देखो गाइस, इसमें स्ट्रोक करना है, हो रखा है, हो रखा है इसको, शेडो इनेबल। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, टिल देन।